हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आत्मा कभी नहीं मरती और शरीर नाशवान है, शरीर बदलना कपड़े बदलने के समान है। तो यहाँ पर शरीर बदलना कपड़े बदलने के समान है, क्योंकि शरीर का तो वध हो सकता है मगर आत्मा का कभी वध नहीं हो सकता। भगवान हम शरीर नहीं, हम आत्मा, इसके बारे में 16वें से 22वें श्लोक तक। तो यहाँ पर 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थाई नहीं है। असत मतलब जो शरीर है उसका कोई चिरस्थाई नहीं है, वो कभी भी खत्म होने वाली है। किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है, ठीक है ना। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो मतलब जो तत्वदर्शी हैं, जो इस भौतिक जगत में इस तत्वों को जानने वाले जो महापुरुष लोग हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है भगवान की आज्ञा द्वारा, भगवान के वचनों द्वारा, कि शरीर तो असत है और जो आत्मा है वो सत है। शरीर बदलता रहता है, नष्ट हो सकता है, मगर जो आत्मा है वो नष्ट नहीं हो सकती। ये निरंतर बदलती रहती है, ये निरंतर अलग अलग शरीरों में जाती है, और जो शरीर है हमारा बदलता रहता है। तो यहाँ पर शरीर का तो वध है मगर जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। जो हमारे शरीर में व्याप्त है वो क्या है? हमारी आत्मा। उसी को क्या समझना है? अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। उस अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तुम सोच रहे हो तुम इनको मार दोगे, परंतु तो इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मैंने इस प्रकृति में कुछ ऐसा बनाया ही नहीं जो आत्मा को नष्ट कर सके। शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अविनाश भावी है। अतः मैं भरत, हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो यहाँ पर क्या है? अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय हमेशा रहने वाली, जो शाश्वत है, उसका कभी नाश। जो कोई जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। जो समझे कि इसको मार सकते हैं और ये मरा हुआ है, वो अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा का ना तो मरती है और ना मारा जाता है, तो आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 20 में भगवान कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मता है और ना मृत होता है, मृत्यु में लेता है और ना जन्म लेगा। अतः अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। आत्मा सबसे पुरानी है, अजन्मी है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती, नित्य है, हमेशा रहती है, शाश्वत है, कभी ना मरने वाली। शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। शरीर का वध हो सकता है, परंतु आत्मा नया शरीर प्राप्त कर लेती है। ये पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा तथा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो यह हमारा भ्रम है कि हम किसी का वध कर रहे हैं। भ्रम है, आत्मा को कभी नहीं मार जा सकता। मगर परंतु भगवान ये नहीं कह रहे कि हम किसी की मृत्यु कर दें। Don't kill anyone if you read this shloka. Lord says, I am giving you authority, then you do this process. तो जैसे युद्ध भूमि में सैनिकों को अथॉरिटी दी जाती है, जो क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना, किसी की रक्षा करने के लिए किसी का वध करने को कहा जाता है, इसलिए वो वध करता है। अपने लालच के लिए, अपनी इच्छा के लिए वो ऐसा कार्य नहीं करता। आगे श्लोक संख्या 22, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति निवाहि रही। तो यहाँ जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेती है। तो यहाँ शरीर को एक वस्त्र के समान, एक कपड़े के समान तुलना दी गई है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग देते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। अब श्लोक संख्या 25 में चर्चा होती है, 23 से 25 में चर्चा होती है शाश्वत आत्मा के गुण। तो हमारी जो शाश्वत आत्मा है उसके क्या गुण है? आत्मा के सोल की क्वालिटीज क्या है? तो यहाँ पर सोल की क्वालिटीज हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इससे
भौतिक जगत का कोई तालमेल नहीं है, या श्लोक संख्या 24, यह आत्मा खंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है, यह शाश्वत सर्वव्यापी अविनाशी स्थिर सदैव एक सा रहने वाला है, क्योंकि ये शाश्वत भी है, सर्वव्यापी भी है, अविनाशी भी है, ना विनाश करने वाला, और ये हमेशा वैसे ही रहता है जैसा है। श्लोक संख्या 25, यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है, इसका परिवर्तन नहीं होता, ये कल्पना से परे है, यह अव्यय है, ठीक है, कहा जाता है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जो मारी नहीं जा सकती, उसके लिए शोक करने का क्या अर्थ है। भगवान श्लोक संख्या 26 से फिर चर्चा शुरू करते हैं, जन्म और मृत्यु अवश्य भावी है, क्योंकि जन्म और मृत्यु सबके लिए निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु है, शाश्वत आत्मा के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, अगर किसी का जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु भी होगी तो उसके लिए हमें विलाप या रोना या शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि तो जब जब जन्म होता है उसी प्रकार उसकी मृत्यु का समय भी निर्धारित हो चुका होता है। श्लोक संख्या 26, भगवान कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अव्य अथवा जीव का लक्षण सदा जन्म लेना और तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम ये जान ही चुके हो कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो उसके मृत्यु के लिए शोक करना किस बात के लिए जरूरी है, तो मृत्यु का शोक करने की आवश्यकता ही नहीं होती। श्लोक संख्या 27, जिसे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, जिसकी मृत्यु होगी उसको नया शरीर भी मिलेगा, उसकी आत्मा ना तो मरती है, उसको दूसरे शरीर में देहांतरण करना पड़ता है और उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से तुम शोक ना करना, तुम्हें नहीं करना चाहिए कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और इन सब बातों के लिए किसी प्रकार का कोई शोक नहीं करो। श्लोक संख्या 28 में भगवान चर्चा करते हैं, सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, जब सृष्टि बनती है तो कोई भी जीव नहीं होता, मध्य अवस्था में ये व्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में मतलब थोड़े समय के बाद ये प्रकट हो जाते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः ये अव्यक्त हो जाते हैं। सृष्टि होती है, जीव आते हैं, कुछ समय रहते हैं, और फिर प्रकृति विनष्ट हो जाती है, जीव भी विनष्ट हो जाते हैं, तो आते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, तथा कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। तो यहाँ पर सबको पता है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि शरीर आया, शरीर के बारे में सुनता है, देखता है शरीर को, एक समय आता है आश्चर्य की तरह बताता है शरीर के बारे में कि उसका था वो व्यक्ति, वो चला गया, और इसको सुन भी रहा है एक व्यक्ति, बड़े आश्चर्य से सुन रहा है, परंतु वो निश्चित रूप से भूल जाता है, कोई व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि ये परिवर्तन हर व्यक्ति के साथ होने वाला है, और उसके लिए शोक करता है, कोई कोई इसको समझ पाता है, सब इसको समझ नहीं पाते, सुनकर भी नहीं समझ पाते। इसीलिए कहते हैं, जब शोक सभा में हम जाते हैं और ऐसी चर्चा होती है, जब हम देह तथा आत्मा, देह के बारे में बात करते हैं, शरीर और आत्मा के बारे में बात करते हैं, पुनः व्यक्ति थोड़े समय बाद भूल जाता है कि हमारा भी ऐसा समय आने वाला है जब हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, और ये नहीं जानना है कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है कि शरीर छोड़ने से पहले हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, ये आत्मा जो शरीर में रहती है इसका वध नहीं हो सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीवन के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 30, अब यहाँ पर विषय बदलता है, 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक, 31-38 श्लोक में अब यहाँ विषय बदल जाता है। अभी भगवान ने ये बताया युद्ध करो, क्योंकि आत्मा का कभी वध नहीं होता, शरीर और आत्मा के बारे में चर्चा हुई थी, अब यहाँ भगवान चर्चा करेंगे किसके बारे में, युद्ध करते हुए सर्वधर्म का पालन करके भौतिक सुखों को प्राप्त करो, कि जो तुम्हारा धर्म है उसे करो, और भौतिक सुख जो भगवान के द्वारा आशीर्वाद में तुम्हें मिल रहे हैं उसको प्राप्त करो, धर्म के लिए युद्ध करो, उसके बाद तुम्हें अगर युद्ध भूमि में अगर तुम्हें राज्य भी मिल जाता है तो उसका भोग करो, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसका भोग करो। तो यहाँ पर भगवान चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 31 से 32 तक, युद्ध का निर्धारित कर्तव्य निभाना,
स्वर्ग के लिए सुख का दरवाजा खुला रखता है। तो यहाँ पर क्या है, अपने कर्तव्यों को जो पालन करता है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विनिष्ठ धर्म का, विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतएव तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम सब लोग योद्धा हैं अपने जीवन में, हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हर कार्य को करना, उसको भगवान को अर्पित करना, यही हमारा धर्म। तो आप जब भी अपने जीवन में कोई कार्य करें, आप समझ लें आप योद्धा हैं। आपके जीवन में अड़चने आएंगी, उन अड़चनों को पार करना किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, मुझे अर्पित करो। श्लोक संख्या, अब आगे क्या, निर्धारित कर्तव्यों से भौतिक भोग प्राप्त करने के बारे में। श्लोक संख्या 32, इसमें भगवान कहते हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। धर्म के लिए सब लोगों को लड़ने का मौका नहीं मिलता, सब लोग अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की शरणागति लेता है, जो भगवान की शरणागति से विचार करता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसके जीवन में जो कुछ भी आता है अधर्म के रूप में उसे लड़ता है और धर्म की ओर आगे बढ़ता है, भगवान कह रहे हैं उसको क्या होता है, स्वर्ग लोक के द्वार उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। श्लोक संख्या 33 में, 33 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, 33:6, युद्ध न करने से आपको पाप, बदनामी और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। कि आपको जहाँ क्या है, अगर आप अपने कर्तव्य को भूल जाओगे तो ये पाप होगा, आपकी बदनामी होगी, आपकी आलोचना होगी। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लोग फॉलो करते हो उसको कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तुम, श्लोक संख्या 33, किंतु यदि तुम युद्ध करने के सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। कि अपने युद्ध, जो अपने कर्तव्य को छोड़ देगा उसको पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठोगे। कि एक योद्धा का जो सबसे बड़ा यश होता है वो युद्ध में विजयी होना होता है, वो भी किसके लिए, धर्म के लिए। श्लोक संख्या 34, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे लोग, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु के भी बढ़कर है। कि जिसका जिसका कैरेक्टर ही खो जाए उसके लिए ये मृत्यु के समान है। मैंने पीछे भी बताया था, अगर धन खो जाए तो आपकी कोई हानि नहीं हुई, अगर आपका आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आपकी कुछ हानि हुई है, परंतु अगर आपका चरित्र खराब हो जाए तो आप समझ लो जीवन में सारी हानि हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, दुर्योधन जो है उनका कैरेक्टर क्या है, क्षत्रिय का है, उनका चरित्र एक क्षत्रिय का है। जब वो धर्म के लिए लड़ते हैं तो उनको देखते हैं लोग और उनकी अनुसरण करते हैं, उनके जीवन शैली का पालन करते हैं कि हमें भी धर्म के लिए लड़ना है। अगर तुम ही धर्म अधर्म के सामने घुटने टेक दोगे तो आगे आने वाले समाज का क्या होगा। तो एक युद्ध करने वाले क्षत्रिय अगर युद्ध स्थल को छोड़ के चला जाए तो उसके लिए मृत्यु के समान है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। जिन जिन, श्लोक संख्या 35, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जो तुम्हें फॉलो करते हैं, जिनके तुम आइडल हो, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे शत्रु अपने तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे तुम्हारे शत्रु, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे कि तुम इतने बलशाली योद्धा हो जिसने पूरी सृष्टि को जीत लिया हो, अगर उसका उपहास होगा ऐसा लगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। श्लोक संख्या 36, अब यहाँ पर श्लोक संख्या 36 में 37 नंबर श्लोक में भगवान युद्ध के लाभ बता रहे हैं। युद्ध जीत में राज्य और हार में स्वर्ग। कि अगर तुम मेरी इच्छा अनुसार कोई कार्य करोगे तो भक्त का ना तो कभी हानि होती है ना उसका कार्य कभी व्यर्थ जाता है। कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम कर्तव्यों के लिए लड़ रहे थे, तुम धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे
और उस साम्राज्य को कैसे भोगोगे? भक्ति से भोगोगे, भगवान की सेवा करोगे, भक्तों की सेवा करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कहते हैं युद्ध करो, दोनों में तुम्हारा लाभ है, तुम्हारी हानि नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। श्लोक संख्या 38, 38 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्तव्य परायणता से लड़ो, अपना कर्तव्य का पालन करो, संभवतः कोई पाप नहीं लगेगा। जो कर्तव्यों का पालन करता है उसको कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक संख्या 38, 38 नंबर श्लोक, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो, इसमें अपना स्वार्थ मत देखो, या हार मत देखो, ना जीत मत देखो, सुख मत देखो, दुख मत देखो, फायदा या नुकसान मत देखो, ये नहीं देखोगे जीतेंगे या हारेंगे, तुम सिर्फ युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब तुम मेरे लिए लड़ोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अगर अपनी बुद्धि से अपने लिए लड़ोगे तो तुम्हें अवश्य ही पाप। श्लोक संख्या 39-53, अब भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। अभी तक क्या बताया था? कर्म कांड के बारे में, कि कर्तव्य क्या है। अब भगवान बता रहे हैं बुद्धि योग क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है। युद्ध करो पर बिना किसी प्रतिक्रिया के, युद्ध करो, काम करो, मगर फल की इच्छा मत करो, कि क्या होने वाला है वो सब भगवान पे छोड़ो। श्लोक संख्या 39-40, बुद्धि योग के बारे में भगवान क्या कहते हैं? इस योग में कोई हानि नहीं है, जो बुद्धि योग से चलता है उसका कभी नहीं होता। युद्ध करो बिना किसी। श्लोक संख्या 39, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने विशेष विश्लेषणिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। यहाँ पर भगवान ने विश्लेषण दिया, एक्सप्लेनेशन दिया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अब निष्काम के बारे में चर्चा यहाँ शुरू होती है, निष्काम कर्म के बारे में, जो पूरे 6 अध्यायों का सार है, इसके बारे में भगवान अब चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ कि कर्म किस प्रकार से किए जाते हैं। आप और हमारे लिए भी यही संभव है कि हम भगवान की इस वाणी को सुने कि निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर पाओ, मुक्त कर सकते हो। तो हमारे और आपके लिए भी यही है कि अगर हम भगवान की वाणी को एज इट इज सुने कि कार्य करना कैसे है, तो हम सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, हम सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा, निरंतर हम मुक्ति के मार्ग में चलेंगे, मुक्त होते हुए सारे कार्य करेंगे, हमें किसी प्रकार का कोई दोष कभी नहीं लगेगा। श्लोक संख्या 40, इस प्रयास से ना तो हानि होती है और ना ही हास्य, हास्य मतलब मजाक, किंतु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कि हम थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे तो हमारे बड़े बड़े जो हमारे भय हैं, हमारे डाउट्स हैं, हमारे इनसिक्योरिटीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और इस प्रयास करने से ना तो हमें हानि होती है, ना हमारा उपहास उड़ाया जाता है, क्योंकि हम किसके लिए कर्तव्य कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ श्लोक संख्या 41-46 की चर्चा होती है, 41-46, व्यवसायित्मिका बुद्धि और वैदिक कर्मकांड क्या है, तो आगे चर्चा भगवान करते हैं। जो इस मार्ग पर, मतलब जो बुद्धि योगी व्यक्ति है, जो भगवान में अपना चिंतन रखता है, उसको व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, हर कार्य में फोकस्ड रहते हैं, और इसका लक्ष्य भी एक रहता है, उसका गोल एक ही रहता है। किंतु हे कुंती नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो फोकस्ड नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विविक्त रहती है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहते हैं अपने लक्ष्य में, उसका फोकस नहीं होता, वो अपने कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकते। तो जो जो व्यक्ति इस ऐसे मार्ग पे करते हैं, मतलब कैसे व्यवसायित्मिका बुद्धि, जो मुझे ही लक्ष्य मान के सारा कार्य करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने पथ को प्राप्त करते हैं। किंतु जो ऐसा नहीं करते, जो दृढ़ निश्चित नहीं है, वो अलग अलग शाखाओं में अपना दिमाग डाइवर्ट करते हैं और फोकस्ड नहीं रहते हैं। लोक संख्या 42-43 तक, 42-43, भगवान कहते हैं, अल्पज्ञानी मतलब कम बुद्धि वाला अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारीय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी किस लिए पढ़ते हैं?
कि उनको अच्छा जन्म मिल जाए, उनको शक्तियां मिल जाए, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, तो यहाँ पर ऐश्वर्यमय लाभिषण के इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कि मेरे को अच्छी शक्तियां मिल जाए, अच्छा सुंदर रूप मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, सब कुछ मिल जाए, इससे बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। यहीं पर सीमित रह जाते हैं कौन से व्यक्ति, जो अल्प बुद्धि होते हैं, कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। श्लोक संख्या 44 में भगवान कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता। जो लोग भौतिक इच्छाओं में प्रवृत्त रहते हैं, भगवान के प्रति उनका दृढ़ निश्चय नहीं रहता और वो भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, अपनी ही इंद्रिय तृप्तियों में बसे रहते हैं और उनको कष्ट होता है, उनके जीवन में शांति बिल्कुल नहीं होती। श्लोक संख्या 45। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है, तो यहाँ पर तीन गुणों का वर्णन क्या है, मैं पहले आगे हम पढ़ेंगे इसको, परंतु मैं आपको बता देता हूँ, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, इन सबसे ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मसमर्पण करो। सुरक्षा को छोड़ दो, सुरक्षा मैं करूंगा, लाभ को भी छोड़ दो, वो मैं दूंगा, समस्त द्वैत अपने डाउट्स को छोड़ के क्या करो, आत्मसमर्पण करो, मेरे को शरणागति कर दो, ये सारे कार्य मैं पूरा करने वाला हूँ। श्लोक संख्या 46 में भगवान कहते हैं एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। मतलब एक छोटा सा ही छेद है जिसके अंदर पानी भरना हो, मगर एक बड़ा जलाशय आता है, छोटे छोटे कूपों को भी भर देता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, कि जो जान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसके छोटे छोटे सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जो सारी सारी इच्छाएं होती हैं वो सारी तुरंत समाप्त हो जाती हैं, अगर वो जीवन के लक्ष्य को समझ जाता है, मुझे जान लेता है। श्लोक संख्या 47-49। निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे करें, हाउ टू परफॉर्म योर ड्यूटी। अब निष्काम कर्म योग क्या है भगवान ने बता दिया है, अब भगवान कह रहे हैं इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। नाउ श्लोक संख्या 47, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर ते संगोस्तव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म मतलब कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल से तुम अधिकारी नहीं हो। तो कर्तव्य पे पूरा अधिकार है मगर फलों पे अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कर्म करना है, कर्म को भी नहीं त्यागना, और कर्म के फलों को जो मिलता है उसको भी अधिकारी तुम नहीं हो। तुम्हें निश्चित रूप से मेरे लिए ही कर्म करना है। श्लोक संख्या 48। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग्य कहलाती है। कि हार और पराजय का निश्चय मत करो, हार और पराजय को त्याग कर संभाव से एक चित्त होके मुझ पे फोकस्ड करके क्या करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्लोक संख्या 49। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्यों से दूर रहो। गर्हित मतलब सकाम कर्मी कार्य, कार्य करने के बाद उस पे अभिमान हो जाना, इसको कहते हैं गर्हित कार्य। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्यों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है मतलब लालची हैं। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उनको जो फल मिलता है उसको जीवन में भोगना चाहते हैं, व्यर्थ करना चाहते हैं, वो क्या है, लालची व्यक्ति हैं। उनका पेट कभी नहीं भर सकता, उनका हृदय कभी नहीं भर सकता, वो मन शांत वाले कभी भी नहीं रह सकते। श्लोक संख्या 50-53। 50-53 बुद्धि योग की प्रक्रिया। अब बुद्धि योग की प्रक्रिया क्या है, हाउ टू परफॉर्म बुद्धि योग। भगवान कहते हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में भी अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है। तो जो भक्ति में रहता है वो अच्छे और बुरे कार्यों में भेद करके चुनाव कर सकता है। अतः योग योग के लिए प्रयत्न करो,
क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। किसके लिए? योग के लिए। योग का मतलब है भगवान की सेवा। श्लोक संख्या 51। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है क्या करते हैं, भक्ति योग के द्वारा इन सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। उनका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो मुक्त होके कहाँ जाते हैं, और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम, भगवान के पास वापस जाते हैं। उनको दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान श्लोक संख्या 92 में क्या कहते हैं, 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सदन वन को पार कर जाएगी, कि मतलब जो मोह रूपी, मतलब जो जो संसार में हमारा जो अटैचमेंट है, ये एक जंगल के समान है, घना जंगल, इसको पार करके जब हम निकलेंगे बाहर, जो कि तुम सुने तथा सुनाने योग्य सबके प्रति आने मनसक, मतलब भ्रांति चित्त हो जाओगे कि सुनने और सुनाने योग्य कुछ नहीं रह जाएगा, सब कुछ जानने वाले होगे तुम, तो तुम विचलित नहीं होगे। जब तुम्हारा मन, श्लोक संख्या 53, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। कि तुम विचलित नहीं होगे किसी भी प्रकार की भाषा से, तुम विचलित नहीं होगे, सारे शास्त्रों का एक लक्ष्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें समझ में आएगा कि सब कुछ मैं ही हूँ और मेरी सेवा के लिए ही सब कुछ होता है। तो तुम दिव्य चेतना प्राप्त करोगे, एक ऐसी कॉन्शियसनेस प्राप्त करोगे जो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई है। श्लोक संख्या 54-72। देयर इज अ इंपॉर्टेंट स्थित प्रज्ञ, इसे व्यक्ति जो भक्ति में हमेशा संलग्न रहते हैं, भगवान के प्रति उनकी आसक्ति और प्रेम सदा रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं। युद्ध करो कृष्ण चेतना में स्थिति स्थित हो जाओ, कि हमारी चेतना में भगवान को ही हमेशा अपनी कॉन्शियस में रखो। श्लोक संख्या 54। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में अर्जुन के प्रश्न। तो अब यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार का, आत्म चेतना में स्थित रहो, जो भगवान कहते हैं हमेशा कॉन्शियसनेस में रहो, जो कॉन्शियसनेस में रहता है उसको ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं, इन गॉड कॉन्शियसनेस। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा 54 श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? जो ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा भगवान के ही चेतना में रहता है, उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है? तो भगवान से पूछ रहे हैं कि व्यक्ति कैसा होता है जो भगवान का भक्त होता है। सरल भाषा में कहें तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो भगवान की चेतना में रहता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके लक्षण कैसे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसा व्यवहार करता है। और फिर 55 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने कहा है, हे पार्थ, जब मनुष्य मोह धर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशंस को छोड़ देता है, जगह जगह लालचपन नहीं आता, लोगों को जगह जगह चीजों में आसक्ति नहीं रहती, अटैचमेंट्स खत्म हो जाता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, मतलब विद प्योर हार्ट, जब उसका मन बिल्कुल प्योर हो जाता है, विद प्योर हार्टेड, विशुद्ध मन यहाँ पर बताते हैं, और जब उस इस तरह से विशुद्ध इसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, ही इज टोटली सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कि कोई भी चीज से अटैचमेंट नहीं होते हुए भी, उसका लालच नहीं होते हुए भी, इसके मन में हमेशा सेटिस्फैक्शन रहती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब श्लोक संख्या 56-57। स्थित प्रज्ञ द्वैत की प्रतिक्रिया, वो कैसे बिहेवियर करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो त्रय तापों त्राप के होने पर भी मन में विचलन नहीं रखता, नहीं होता, अथवा सुख के
सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है वह स्थित प्रज्ञ वाला मुनि कहलाता है, जो भय से क्रोध नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप क्या बताए हैं? त्रय ताप है कि तीन तरह के ताप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी इन शॉर्ट टर्म्स बता देता हूँ कि एक है, तीन तरीके की मिजरीज आती हैं हमारे जीवन में। पहली मिजरी है कि हमें कैलमिटीज आते हैं, कई बार हमें होता है कि एक जीव के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है या हमें अपने मन के द्वारा दुख प्राप्त होता है। तीन प्रकार से हमारे जीव में, इसको कहते हैं आध्यात्मिक मिजरी और भौतिक मिजरी। इस तरीके से हमें क्या होता है, जीवन में आते ही आते हैं, किसी भी जीवन में किसी को, किसी का हाथ जल जाता है, कोई पानी में बह जाता है, किसी को आग लग जाती है, ये कैलमिटीज है, सुनामी आ जाती है, ये आते ही आते हैं। इसमें किसी का भी कोई भी उस पक्ष में आ सकता है, किसी जीव के द्वारा, मच्छर के काटने से भी मलेरिया होता है, उससे भी देहांत हो सकता है। तो जीव के प्रति भी हमें, जीव से भी हमें कष्ट मिल सकता है, अच्छा हमें अपने मन के द्वारा भी हमें कष्ट मिल सकता है। तो ये त्रय तापों से जो अविचलित नहीं होता अथवा सुख से, सुख में प्रसन्न नहीं होता, ज्यादा सुखी होने पर भी वो ज्यादा फैनेटिक या ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध अटैचमेंट प्रोटेक्शन और गुस्से को मुक्त हो जाता है, उससे दूर रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिसको ना तो गुस्सा आता है, ना किसी से अटैचमेंट ज्यादा रहती है, ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ज्यादा करता है, वो पूरी तरह भगवान पे निर्भर रहता है कि जो करेंगे मेरी सुरक्षा भी भगवान करेंगे। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो तुरंत निर्भय होके भगवान के शरणागति में रहता है कि करने वाले सब कुछ भगवान। श्लोक संख्या 57। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा होती है, तो शुभ भी कोई कार्य होता है उसमें भी ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, भगवान की कृपा मात्र इसको स्वीकार करता है कि ये भगवान की कृपा है, मैं जो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये भगवान की कृपा है। और हानि हो जाने पे, नुकसान हो जाने पे किसी चीज से घृणा भी नहीं करता, दुख भी नहीं मनाता, ये भी भगवान की कृपा मात्र आता है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, उसी को असली नॉलेज है कि जो हर्ष में ज्यादा हर्षित ना हो और दुख में ज्यादा दुखी, वही पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाता, वही ज्ञानी है एक्चुअली। देन श्लोक संख्या 58 में क्या कहते हैं, 58-63। अब यहाँ टॉपिक चेंज होता है, स्थित प्रज्ञ का इंद्रिय निर्णय नियंत्रण क्या है, कि कैसे अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बताया जाता है श्लोक में, 58 श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल में भीतर कर लेता है, मतलब कछुए को देखा है टर्टल अपनी लिम्स को अंदर डाल लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, अपने लालचपन अटैचमेंट से दूर रहता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है, वो कॉन्शियसनेस उसकी हमेशा दृढ़ रहती है, हमेशा स्टेबल रहती है भगवान में, जो इंद्रियों में ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखता, किसी चीज को देख के ज्यादा ललाहित नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को कछुए के समान संकुचित कर लेता है। जब उसको लगता है भक्ति से मैं दूर जाऊंगा इसके वजह से, तो वो क्या करता है, जैसे कछुआ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिम्स को खोल के अंदर डाल लेता है, अपने शेल के अंदर डाल लेता है, उसी प्रकार से भक्त क्या करता है, जब उसे लगता है कि मेरा अटैचमेंट इससे ज्यादा होगा और भगवान से कम हो जाएगा, तो क्या करता है, अपनी उस इंद्रियों को खींच लेता है, आंखों को संकुचित कर लेता है, अपने हाथों को कंट्रोल में रखता है, अपनी भूख को कंट्रोल में रखता है, इन सारे कार्यों को करता है सिर्फ अपनी भक्ति और अपनी चेतना को बचाने के लिए। श्लोक संख्या 59, इसमें बताया है, भगवान कहते हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसकी इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, कि हम अगर कोई चीज को एंजॉय नहीं भी करते तो भी हमारे मन में उसका लालच बना रहता है कि हमें एंजॉय करना है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। अगर मान लीजिए हमें चीनी खाने को मिले, शुगर, और हमें रसगुल्ला खाने को मिले, तो हम रसगुल्ला खाएंगे क्योंकि चीनी से अच्छा रसगुल्ला है। उसी तरीके से अगर हम इंद्रिय तृप्ति को भोग रहे हैं और हम उसको भोगना बंद भी कर देते हैं तो भी हमारी अटैचमेंट बनी रहती है कि हम कल को भोगेंगे, फिर हमारी मन कर जाता है, फिर हमारा मन कर जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं अगर उससे हायर टेस्ट मिल जाए हमें, इफ वी अचीव एनी हायर टेस्ट, तो वो लोअर टेस्ट को हम भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उत्तम रस क्या है, मेरी भक्ति ही उत्तम रस है, तो इन बंधन से वो मुक्त हो जाता है और मेरी भक्ति में हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पर श्लोक संख्या 60 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उन विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उनमें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर इंद्रियां इतनी इतनी ज्यादा अटैच रहती हैं चीजों से, इतनी मजबूत हैं कि मान लीजिए जो उत्तम श्रेणी का भक्त है उसका भी मन हिला देती है, उसके भी वेग को हिला देती है। विश्वामित्र हैं, मेनिका के द्वारा उनकी बुद्धि जो है चली गई, फिर भी उन्होंने तपस्या की। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, बचा के रखना बहुत जरूरी। इसको बचा के क्या रखना, भगवान की तरफ लगा के रखेंगे तो इंद्रियां हमारी अच्छी जगह पे लगेंगी। श्लोक संख्या 61, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। स्थिर मतलब स्टेबल माइंड, जो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है और अपनी बुद्धि को, अपने मन को मुझ में लगा के रखता है, वो अपनी इंद्रियों और बुद्धि को मुझ पे लगा देता है, वो स्थिर बुद्धि वाला कहता है। तो भगवान कहते हैं 62 श्लोकों में, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस चीज का हम फोकस रहते हैं, जिस चीज पे हम फोकस रहते हैं, उससे हमारी अटैचमेंट और बढ़ जाती है और ऐसी आसक्ति के काम उत्पन्न होता है। ऐसी आसक्ति से अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। मान लीजिए वो चीज नहीं मिलती, उससे क्या होता है, ना मिलने की वजह से हमारा गुस्सा प्रकट होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो क्या होता है, काम से क्रोध बढ़ता है। तो यहाँ पर 63 श्लोक में भगवान कहते हैं, क्रोध से पूर्णतया मोह उत्पन्न होता है, हमारा प्रेम उस चीज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। हमारी क्या होती है, हमारी कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाती है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, आपके क्या जो बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अगेन यू फॉल डाउन विद योर कॉन्शियसनेस। तो क्या करना है हमें, पीछे हम जाएंगे, हमें क्या करना है, इंद्रिय तृप्तियों का चिंतन नहीं करना। अगर हमें कोई चीज ज्यादा हमें फैसिनेट कर रही है तो हमें बार बार उसका चिंतन नहीं करना। उसका चिंतन करेंगे हमारे मन में उसके प्रति लालच प्रकट होगा, वो लालच पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा तो उसके प्रति हमारा प्रेम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और हमारी स्मरण शक्ति मतलब हमारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस जो है उसका फॉल डाउन होगा, हम उस चेतना से गिर जाएंगे। अब श्लोक संख्या 64 to 672, दीज आर द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर 72। अब यहाँ पर बताया था स्थित प्रज्ञ का इंद्रिय व्यवस्था कि यहाँ पर कैसे वो कार्य करता है। प्रभु की कृपा प्राप्त करके व्यक्ति की बुद्धि स्थापित हो जाती है, मतलब भगवान की कृपा के द्वारा हमारी स्टेबिलिटी बनी रहती है भगवान के प्रति और व्यक्ति को शांति मिलती है, तभी हमारे मन में पीस होता है। उत्तेजित इंद्रियां बुद्धि को दूर ले जाती हैं, ये हमारी ज्यादा एक्साइटेड जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या सुप्त हो जाता है या अव्यक्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, उसकी कॉन्शियस या तो खत्म हो जाती है या फिर कुछ समय के लिए सुप्त हो जाती है, मतलब साइलेंट मोड पे चली जाती है। इस स्थित प्रज्ञ के गुण तथा गुणवत्ता गंतव्य क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसकी क्वालिटीज क्या है और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल